तो ये समझ में आता है कि दुआ का जो पोस्चर है वो घुटने के बल और दोनों हाथ उठा के है। आपकी समझ में आ रही है? दुआ चल रही है और हम भी दुआ में शामिल हैं। आमीन आमीन चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। कई दुआओं में हम ऐसे भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जब कुछ खास दुआएं हों तो उन दुआओं में बहुत जरूरी है कि सारी सभा अपने दोनों हाथ उठाए। बाइबल में एक आयत आई है, इसलिए ढीले हाथ दृढ़ करो और घुटने में तुम्हारे जान आए। ये घुटने में जान और हाथों में बल का मतलब क्या हुआ? घुटने पे आना सीखो और हाथ उठाना सीखो। समझ मानी आपके? ये एक पोस्चर है दुआ का। ऐसे बैठ के दुआ करना करी होगी, कई बार हम भी करते हैं, लेकिन याद करें कि जो सही तरीका है दुआ करने का वो हाथ उठा के है। आपकी समझ मारी है? और खास तौर से मैं कहूंगा जब सामूहिक दुआ हो, जो यहां एक सामूहिक दुआ हो रही है एक चर्च में, जिसमें सुलेमान लोगों को आशीषें दे चुका और आशीषें देने के बाद अब सुलेमान एक दुआ कर रहा है इस भवन के लिए। चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा आगे पढ़े 23वीं आयत से।